पनवेल मनपा ने प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। इसके खिलाफ जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज खारघर में बैठक की और संपत्ति कर, स्कूल फी और नागरी समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की। बैठक में एनसीपी नेताओं ने साफ किया कि यदि पनवेल मनपा की मनमानी नहीं रुकी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। देखिए रिपोर्ट। पनवेल महानगर पालिका द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने खारघर में बैठक की और मनपा के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में पनवेल शहर जिला उपाध्यक्ष बीए पाटिल, आर्यन यादव, सुरेश पानमंद, महासचिव रामदास नारकर, भाऊ साहब लबड़े, शहर अध्यक्ष बलिराम नेटके समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ स्कूल फीस, संपत्ति करों में वृद्धि समेत खारघर की तमाम नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की गई। उपाध्यक्ष आर्यन यादव ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याएं हल कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जरूरत पड़ी तो मंत्रियों से भी गुहार लगाएंगे। नागरिकों के समस्या कैसे हल किया जाए, इस प्रश्न पर आज विचार मंथन हुआ और मुझे अच्छा ये भी लगा कि मिस्टर नेटके ने कहा कि इसको हम जन आंदोलन बनाएंगे। यहाँ पर निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रॉपर्टी टैक्स जैसे गंभीर समस्या को निजात पाने के लिए, हल करने के लिए, नागरिकों की समस्या को हल करने के लिए कटिबद्ध है और मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की खारघर शहर इकाई, जिला इकाई, यहाँ के जिला अध्यक्ष सतीश पाटिल जी, रायगढ़ के तटकरे मैडम, ये सभी लोगों का सहयोग मिलेगा और ये सारे लोगों के सहयोग से ये जनता की समस्या को उठा करके प्रशासन ने तो सुलझाने का बीड़ा उठाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खारघर शहर इकाई चाहे मंत्रालय में जाना पड़े, वहाँ नगर विकास मंत्री के साथ में इस बात को चर्चा कर करके इस समस्या को सुलझा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं सुरेश पानमंद और बलिराम नेटके ने प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी का निषेध करते हुए इसे आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता के साथ अन्याय बताया और इसे कम कराने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। जो खारघर, कामोटा आणि कळंबोली परिसरामध्ये जो टैक्स लावलेला आहे त्या टैक्सच्या बाबतीतला आढावा घेतल्याच्या नंतर जनतेचे कुठेतरी त्या ठिकाणी निराशा लक्षात आलेली आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने ह्या टॅक्स वाढीच्या बाबतीतला किंवा टॅक्स लावलेला जो काही बिल आकारणीचा जो विषय आहे याचा आम्ही ठामपणाने निषेध करतो आहे आणि येणाऱ्या पुढील काळामध्ये जर नगरपालिकेने ह्या ठरावाच्या बाबतीत काही जनसामान्यांना कुठेतरी लक्षात घेऊन ठराव जर मागे घेतला नाही तर त्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ही मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलन निर्माण करेल आणि नगरपालिकेला या बाबतीतला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडेल। अजितदादा पवारसाहेब आणि पालकमंत्री रायगडच्या आपल्या तटकरे मॅडम यांच्या माध्यमातून या मुद्द्याला पुढे कसं या मुद्द्याला कसं मागे घ्यायला लागेल याबाबत आम्ही चर्चा करू आणि त्यांच्या कानापर्यंत ही गोष्ट पोहोचवण्याचं काम करू। एवढं बोलून मी थांबतो। सुरेश देवराम पानमन, उपाध्यक्ष पनवेल जिल्हा। पनवेल महापालिकेकडून जो प्रॉपर्टी टॅक्स लादला गेलेला आहे सर्वसामान्य लोकांच्या किंवा खारघरवासियांच्यावरती पनवेल महापालिका क्षेत्रावरती, या प्रॉपर्टी टॅक्स विरोधात कशा पद्धतीनं मोहीम राबवायची किंवा त्याचा पाठपुरावा करून ही जी टॅक्स प्रणाली कशा पद्धतीनं आपण कमी करू शकतो या विषयावरती आमची चर्चा झाली। आम्हाला सर्व आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी किंवा वरिष्ठांनी मार्गदर्शन चांगल्या प्रकारे केलं। येणाऱ्या काळामध्ये उद्याच आम्हाला आयुक्तांनी या संदर्भात चर्चा करण्यासंदर्भासाठी बोलवलेलं आहे। प्रॉपर्टी टॅक्स वाढीबद्दल सर्वांनी निषेध जाहीर केला आणि एकंदरीत राष्ट्रवादीचे सर्व कार्यकर्ते ह्या गोष्टीसाठी अतिशय नाराज आहेत कारण अतिशय जास्त प्रमाणामध्ये पनवेल महानगरपालिकेने जे कर आकारणी केलेली आहे ती सर्वसामान्य जनतेला, इवन खारघरमधील कोणत्याही रहिवाशाला ते पटण्यासारखी नाही। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।
लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।